नमस्कार दोस्तों, यदि आपका ITI में एडमिशन नहीं हो पाया है अभी तक, या डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट ना होने की वजह से जो आपका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो अब आपके लिए जो है नया शेड्यूल जारी किया गया है। अंतिम अवसर है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 70/2021-22 में दाखिले हेतु अंतिम अवसर है। इसके बाद इसको जो है ओपन नहीं किया जाएगा। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी कारण से, तो अभी उसके लिए एक मौका है, अपना रजिस्ट्रेशन है जो अभी करवा लें। तो यहाँ ऑन द स्पॉट एडमिशन का शेड्यूल जो है जारी किया गया है। ऑन द स्पॉट अब आपके जो है एडमिशन हो गए। हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में खाली पड़ी सीटों पर संस्थान पर ऑन द स्पॉट एडमिशन दिनांक 13 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर तक प्रतिदिन किया जाएगा। दाखिला पोर्टल पर नए आवेदन दिनांक 6 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 18 दिसंबर तक जो है आप उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं, और 19 तारीख तक जो है वेरिफिकेशन होगी। ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन लेना है तो 19 तारीख तक जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। यह दाखिला निम्नलिखित प्रत्येक तिथियों तक प्राप्त नए एवं पुराने आवेदनों की संयुक्त मेरिट के आधार पर किया जाएगा तथा इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, कोई कैटेगरी इसमें वैलिड नहीं होगी। प्रार्थी जिस संस्थान में दाखिले के इच्छुक हैं उस संस्थान में प्रातः 11 बजे तक जो है अपना मेरिट कार्ड जमा करवाएं तथा अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ वे मौके पर दाखिला फीस ऑनलाइन या नगद जमा करवा सकते हैं, तो संस्थान में स्वयं उपस्थित होंगे। मेरिट कार्ड काउंसलिंग वेबसाइट जो है, इसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है जहाँ पे आप एडमिशन अप्लाई करेंगे, तुरंत बाद जो आपका आपका मेरिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसको प्रिंट निकालना है और सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो है संबंधित ITI जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको जाना है और अपना जो है एडमिशन कन्फर्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी सीट अभी अवेलेबल है उन सीट में आपको एडमिशन लेना होगा। जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना जो है एडमिशन ऑनलाइन करवाएं, और जो साथी पानीपत से बिलोंग करते हैं तो मेरे पास आके अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।